हाँ जी भाई, तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो द 100 वुमेन्स टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका भाई जो आज के दिन का सेकंड मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 3 जो कि खेला जाएगा लंदन स्पिरिट वुमेन वर्सेज ओवल इनविंसिबल वुमेन्स के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आप अपना ही लॉस करवा बैठोगे। लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो इजीली आप विन करने वाले हो। कल भी भाई जो पहला मैच खेला गया था, चाहे बात कर ले मेंस की चाहे बात कर ले वुमेन्स की, दोनों के दोनों आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैचेज आपके भाई ने निकलवा के दिए थे। इससे ज्यादा भाई क्या ही चाहिए। चाहिए तो वुमेन्स की मैचेज की बात हो गई, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग का आप रिजल्ट देख सकते हो, उसमें भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप। और उसके बाद नीचे अगर आप चलोगे तो आपको 100 मेंस का भी रिजल्ट दिख जाएगा और यहां पर भी आप देख सकते हो वन साइडेड विनिंग लगातार आपका भाई आपको करवा के दे रहा है। इससे ज्यादा भाई क्या ही चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको एक एक प्लेयर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी सारी चीजें बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले मैच की टाइमिंग की। तो शाम को 7:30 पर मैच खेला जाएगा, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 2 घंटे या इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको वीडियो मिले कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैच से 2 घंटे पहले ही वीडियो आपको मिलने वाले, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट भाई 4 बजने वाले हैं और 1 घंटा एडिटिंग में भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेन चीजें जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगी वो क्या मिलेंगी भाई, पिच रिपोर्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, फिर मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा सीबीसी के देने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू की। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मैच होने वाला है और भाई कितना हिस्टोरिकल ग्राउंड, आपको अगर आप क्रिकेट के थोड़े बहुत भी फैन हो तो भी आपने भाई लॉर्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर मैच खेला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कल विनिंग हुई है वैसी आज भी विनिंग होगी, लेकिन जो फाइनल टीम अप वो कहां मिलेगी, वो मिलेगी आफ्टर लाइनअप्स आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी की अभी जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिना टेलीग्राम आप विनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिच रिपोर्ट, बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फ्रेश विकेट है, थोड़ा बहुत आप बैट्समैन्स को ज़्यादा फेवर करके चल सकते हो। वहीं अगर बात करें लंदन स्पिरिट वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो सोपी लव आपको दिखेंगी, जिन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो 2 अच्छी इनिंग खेल रखे लास्ट 5 इनिंग में। हीदर नाइट भाई लगातार ही अच्छा कर रहे हैं, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी इस मैच में भी अपने लिए। ग्रेस हैरिस की बात करें, अगर ये भाई 1 डाउन या 2 डाउन मेंशन होती है तो मस्ट हैव पिक, अदरवाइज ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। डैनियल गिब्सन की बात करें तो आप देख सकते हो ये भी आपके लिए प्रॉपर ऑलराउंडर का काम कर देंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेस हैरिस भी कभी कभी ओवर डाल देती है, हीदर नाइट भी कभी कभी ओवर डाल देती है, लेकिन आपको ये हर मैच में बॉलिंग करती नहीं दिखेंगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर रहे हो तो आप अपने मन में मतलब अपने दिमाग में यही लेके चलिएगा कि मैं इन्हें एज ए बैट्समैन लेके जा रहा हूं, क्योंकि बॉलिंग इनकी कब आएगी कब नहीं आएगी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहां पर डैनियल गिब्सन के बारे में बात करें तो भाई ये बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करके देखिए। एमेला कैच यहाँ पर आपको 101% गेंदबाजी अपनी कंप्लीट अपना पूरा कोटा डालती दिखेगी और इसके बाद बैटिंग भी अच्छी खासी आपको कर देगी, करके दे देगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 108 रन बनाए थे इन्होंने श्रीलंका वुमेन्स के अगेंस्ट में। और वहीं अगर आप देखोगे ग्रेस सिरवेंस को तो यहाँ पर ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग करती नजर आने वाली है। ऋचा घोष की बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगी, हर मैच में बैटिंग आएगी या नहीं आएगी ये भी कहना मुश्किल है, बट एज ए विकेट कीपर अगर आप बैक करना चाहो तो आप इन्हें कर सकते हो। इसके अलावा चार्लर डीन की बात करें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी आती है तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तारा नोरिस लेफ्ट आर्म पेसर और बहुत ही तगड़ा एंगल बनाती है, ये अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाने आती है ना, अगर यहां से किसकी टीम इनकी लंदन स्पिरिट्स की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाते हैं तो फिर तारा नोरिस मस्ट हैव पिक है। सोफी मुनरो 1-0-3-1-0 ठीक ठाक प्लेयर है, बैक कर सकते हो। इसके अलावा एलाइस मोंगेन की बात करें तो जीएल मिनीजीएल में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। ओवल इनविंसिबल वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर लॉरेन विल
लॉरेन विनफील्ड आपको दिखेगी भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रखी है, ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेगी। सूची बेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ी प्लेयर है। अब यहाँ पर सूची बेट्स भी कभी कभी बॉलिंग करते हैं लेकिन हर मैच में आपको गेंदबाजी करती नहीं दिखेगी। सेम एलाइस कैप्सी के लिए बोलूंगा, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट लास्ट के 5 मैच में से 4 मैच में बॉलिंग करती दिखे, लेकिन कितने यहाँ पर भाई कितनी बॉलिंग करेगी और करेगी भी या नहीं करेगी ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डेन वान निकर की बात करें, सेम भाई इनके लिए बोलूंगा, लास्ट 5 मैच में एक ही मैच में इन्होंने बॉलिंग की और उसमें विकेट भी निकाली है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हर मैच में भाई इन्हें बॉलिंग नहीं मिलती, और अगर हर मैच में बॉलिंग मिलती है तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कॉर्डेला ग्रिफिथ की तो इन्हें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, मे बी टॉप 3 में खेलती है आपको नजर आ जाए, बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, बैक कर सकते हो। इसके अलावा रियाना मैकडोनल्ड आपको दिखेगी, इनकी अगर यहाँ से बात करें तो 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और यहाँ पर 0 विकेट, और मतलब 2 मैच में 0 0 विकेट। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो फिर भी 2 मैच में 0 0 विकेट निकालने के बाद भी लास्ट 5 मैच में 7 विकेट है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल में तो जरूर से बैक कर सकते हो। मरीजाना कैप, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है भाई यहाँ पर ओवल इनविंसिबल्स की, तो यह आपके लिए डेथ ओवर की गेंदबाजी भी करके देगी, स्टार्टिंग में भी एक आधा स्पेल अपना डालेंगे तो वहां पर ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है ऑल इनविंसिबल्स की तो आप इन्हें अपनी टीम में तो रखना ही रखना, इवन वीसी भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा स्कोफील्ड की बात करें, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मैडी विलियर्स। अब ये है ना, आज से 6 महीने साल भर पहले आप देखोगे तो मैडी विलियर्स ने बॉलिंग करवाना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से गेंदबाजी करवा रही है, हालांकि लास्ट के 5 मैच में देखोगे तो मात्र 1 विकेट निकाले, लेकिन बॉलिंग हर मैच में करवाई है, तो और साथ ही साथ बैटिंग से तो परफॉर्मेंस देंगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये रहने ही वाली है, ठीक है। इसके अलावा ईवा ग्रे की बात करेंगे, डिसेंट प्लेयर है, जरूर से बैक कीजिएगा। सोफिया समेल की बात करें, इन्हें भी आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें टीम की, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट टीम बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर से आप दिला दो भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो विनिंग टीम है वो आपको यहीं पर मिलेगी आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स। अब यहां से विकेट कीपिंग बल्लेबाजी की बात करें, तो यहां से लॉरेन विनफील्ड को रख रहा हूं मैं अपनी टीम में, रिचा घोष को अभी नहीं ले पाऊंगा। बात करें अगर बैटिंग सेक्शन की, तो हीदर नाइट को मैं अपनी टीम में रखूंगा, सूजी बेट्स को टीम में रखूंगा, एलाइस कैप्सी को टीम में रखूंगा, इसके अलावा ग्रेस श्रीवेंस को या फिर सी ग्रिफिथ को, इन दोनों में से मैं किसी एक को लेने वाला हूं। जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी इन दोनों में से, मतलब देखिए अगर लंदन की टीम सेकंड इनिंग बैटिंग करेगी तो ग्रेस श्रीवंश, अगर यहां पर करेगी ओवल इनविंसिबल्स की तो यहां से भाई सी ग्रिफिथ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एमएला कैर इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसके अलावा मरीजाना कैप इंपॉर्टेंट रहेगी, मैडी विलियर्स को मैं टीम में रखूंगा। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहां पर डी गिब्सन को ट्राई कर सकते हो या फिर जी हैरिस को। अब देखिए ग्रेस हैरिस ऑलराउंडर सेक्शन में जरूर मेंशन है और काफी हाई सिलेक्शन के साथ आ रही है, इवन आधे लोगों के आपके ओपोनेंट की सीबीसी भी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप है ना इनको ड्रॉप करने का तो एक बार रिस्क लो, क्योंकि देखिए इनका बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से ये नंबर 6 पर या 7 पर आपको दिखेंगी, तो अगर वहां पर दिखेंगी तो भाई बैटिंग ज्यादा आएगी नहीं, प्लस बॉलिंग का चांस इनका वैसे ही लो रहता है, तो उस कंडीशन में अपने लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी के लिए ग्रेस हैरिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, अभी के लिए मैं डैनियल गिब्सन को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, सारा ग्लेन मे भी भाई यहाँ पर ये रेस्ट ले रही है, और अगर ये खेलते तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट अगर नहीं खेलते तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। अब यहाँ से देखिए चार्लेट डीन इंपॉर्टेंट रहेगी, तारा नोरिस मैंने आपको अगेन बताया लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, बहुत ही तगड़ी गेंदबाज है, फर्स्ट इनिंग में अगर लंदन की टीम बॉलिंग करवाती है तो मेरी टीम में रहेंगी रहेंगी, और उस कंडीशन में जो सोफिया स्मेल है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये भी अपने लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से भाई पहले ओवल इनविंसिबल्स की टीम पहले बॉलिंग करवाते हैं तो ईवा ग्रे को टीम में रखेंगे और यहाँ से सारा ग्लेन को हम अपनी टीम में रखेंगे, या फिर भाई यहाँ से किसी और प्लेयर को हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, अभी के लिए खैर मैं तारा नोरिस को और यहाँ से सोफिया स्मेल को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ। कैप्टनसी की बात करें, एमएला कैर अगर टॉप 4 में बैटिंग में मेंशन होती तो मैं इन्हें अपनी टीम में कैप्टन देने वाला हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देता। अब यहाँ से अभी के
के लिए मैं कैप्टन इसी को दे रहा हूँ, वीसी दे रहा हूँ भाई यहाँ से मैं मरी जाना कैप को। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर ओवल इनविंसिबल्स पहले बॉलिंग करेंगे तो मैं मरी जाना कैप को एज ए कैप्टन भी कंसिडर कर सकता हूँ। टीम के प्रिव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अब इस टीम में कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।